हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेसान स्टारडस्ट में। और व्यूअर, आज की स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की 70s और 80s की फेमस एक्ट्रेस पूनम डिलोन के कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालिसिस के बारे में। व्यूअर, पूनम डिलोन 1977 में मिस इंडिया बनी थी और 1978 में यश चोपड़ा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी त्रिशूल, ये उनकी एज अ लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी थी। और उनकी करियर बेस्ट मूवीज की बात करें तो उनमें शामिल हैं तेरी कसम, माला माल, नूरी, गिरफ्तार, तेरी मेहरबानियां, कर्मा और नाम जैसी बड़ी मूवीज शामिल हैं। तो व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम एज एन एक्ट्रेस पूनम डिलोन की रिलीज होने वाली तमाम मूवीज की डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो यूर एज एन एक्ट्रेस पूनम डिलोन की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी का नाम है त्रिशूल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने। फिल्म के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार, राखी, हेमा मालिनी और पूनम डिलोन शामिल थे। और यह फिल्म रिलीज हुई थी 5 मई 1978 को। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 20 लाख और फिल्म ने इंडिया में 5 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर पूनम डिलोन की डेब्यू मूवी त्रिशूल एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई। यश चोपड़ा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी काला पत्थर। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, परवीन बॉबी, नीतू सिंह और पूनम डिलोन शामिल थे। ये फिल्म 24 अगस्त 1979 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 50 लाख और फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज मूवी करार दी गई। मनमोहन कृष्णा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी नूरी। फिल्म की लीड कास्ट में फारूक शेख, पूनम डिलोन और मदन पुरी शामिल थे। ये फिल्म 11 मई 1979 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 75 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर नूरी एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई। भारती राजा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रेड रोज। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, पूनम डिलोन और अरुणा ईरानी शामिल थे और यह फिल्म 6 जून 1980 को रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। रणधीर कपूर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी बीवी ओ बीवी। फिल्म की लीड कास्ट में रणधीर कपूर, पूनम डिलोन और संजीव कुमार, योगिता बाली शामिल थे और यह फिल्म 29 मई 1981 को रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। के रघुवेंद्र राव की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी निशाना। फिल्म की लीड कास्ट में जितेंद्र, पूनम डिलोन, प्रेम चोपड़ा शामिल होते हैं और यह फिल्म 7 अक्टूबर 1980 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 75 लाख और इस फिल्म ने 1 करोड़ 81 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक बिलो एवरेज मूवी करार दिया गया। रमेश तलवार की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी बसेरा। फिल्म की लीड कास्ट में शशि कपूर, राखी, रेखा, पूनम डिलोन शामिल थे और यह फिल्म 1981 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। अमरेश सिंघल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी दर्द। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, पूनम डिलोन शामिल थे और यह फिल्म 14 अगस्त 1981 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। आर थ्यागराज की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मैं और मेरा हाथी। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, पूनम डिलोन, सरोज ओबराय और शरद सक्सेना शामिल थे। यह फिल्म 1981 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक बिलो एवरेज मूवी करार दिया गया। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी पूनम। फिल्म की लीड कास्ट में राज बब्बर, पूनम डिलोन, शक्ति कपूर शामिल थे और यह फिल्म 1981 को रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आपस की बात। फिल्म की लीड कास्ट में राज बब्बर, पूनम डिलोन, शक्ति कपूर शामिल थे और यह फिल्म 21 नवंबर 1981 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक बिलो एवरेज मूवी करार दिया गया। रमेश तलवार की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सवाल। फिल्म की लीड कास्ट में शशि कपूर, संजीव कुमार, वहीदा रहमान, पूनम डिलोन, रणधीर कपूर शामिल थे और यह फिल्म 21 मई 1982 को रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। ए सी त्रिलोक चंद्र की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी तेरी कसम। फिल्म की लीड कास्ट में कुमार गौरव, पूनम डिलोन और गिरीश कारनाथ शामिल थे। यह फिल्म 28 मई 1982 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 15 लाख और फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 10 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक सीमा हिट फिल्म करार दिया गया। टी रामाराव की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी ये तो कमाल हो गया। फिल्म की लीड कास्ट में कमल हसन, पूनम डिलोन, ओम शिवपुरी शामिल थे और यह फिल्म 29 अक्टूबर 1982 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज मूवी करार दी गई। कपिल कपूर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी ये वादा रहा। फिल्म की लीड कास्ट में ऋषि कपूर, टीना मुनिम, पूनम डिलोन शामिल थे और यह फिल्म 9 अप्रैल 1982 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप फिल्म करार दी गई।
सुरेंद्र मोहन की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी निशान। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, जितेंद्र, रेखा, पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 4 फरवरी 1983 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। राज इन सिबी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी कयामत। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, समीदा पाटिल, जया प्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम डिलोन शामिल थे। ये फिल्म 28 अक्टूबर 1983 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। रामानंद सागर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रोमांस। फिल्म की लीड कास्ट में कुमार गौरव, पूनम डिलोन और शमी कपूर शामिल थे। ये फिल्म 21 अक्टूबर 1983 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 30 लाख और उसने इंडिया में 80 लाख के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप फिल्म करार दी गई। टी रामाराव की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जॉन जॉनी जनार्दन। फिल्म की लीड कास्ट में रजनीकांत, पूनम डिलोन, रति अग्निहोत्री शामिल थे और ये फिल्म 26 अक्टूबर 1984 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ये फ्लॉप फिल्म करार दी गई। सावन कुमार की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी लैला। फिल्म की लीड कास्ट में अनिल कपूर, पूनम डिलोन, सुनील दत्त, प्राण शामिल थे और ये फिल्म 7 सितंबर 1984 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 90 लाख और फिल्म ने इंडिया में 45 लाख के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। उमेश मेहरा और लत्ती फेजियो की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सोहनी माहीवाल। फिल्म की लीड कास्ट में सनी देओल, पूनम डिलोन और जीना तमान शामिल थे। ये फिल्म 29 जून 1984 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। दसारी नारायण राव की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी यादगार। फिल्म की लीड कास्ट में कमल हसन, पूनम डिलोन, संजीव कुमार शामिल थे और ये फिल्म 20 जुलाई 1984 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यादगार को एक एवरेज मूवी करार दिया गया। जगदीश सिद्धानर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी बेपनाह। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, शशि कपूर, पूनम डिलोन, रति अग्निहोत्री शामिल थे और ये फिल्म 6 सितंबर 1985 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। प्रयागराज की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी गिरफ्तार। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, कमल हसन, रजनीकांत, माधवी, पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 13 सितंबर 1985 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 3 करोड़ और उसने इंडिया में 7 करोड़ के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक सुपरहिट फिल्म करार दिया गया। विजय सिंह की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी कभी अजनबी थे। फिल्म की लीड कास्ट में संदीप पटेल, सैयद किरमानी, सचिन और पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 1 सितंबर 1985 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। राज इन सिबी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी शिवा का इंसाफ। फिल्म की लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, पूनम डिलोन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर शामिल थे और ये फिल्म 15 मार्च 1985 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी करार दी गई। राजन सिबी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सितमगर। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, परवीन बॉबी, पूनम डिलोन शामिल थे। ये फिल्म 1985 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। बीआर चोपड़ा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी तवाइफ। फिल्म की लीड कास्ट में ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री, पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 1985 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। विजय रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी तेरी मेहरबानियां। फिल्म की लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, पूनम डिलोन, राज किरण, अमरीश पुरी शामिल थे और इस फिल्म में एक कुत्ते का किरदार था, कुत्ते का नाम था ब्राउनी। ये फिल्म 1985 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 5 लाख और उसने इंडिया में 2 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई। रमेश तलवार की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जमाना। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, पूनम डिलोन शामिल थे और यह फिल्म 22 फरवरी 1985 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप फिल्म करार दी गई। उमेश मेहरा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अविनाश। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, परवीन बॉबी, पूनम डिलोन शामिल थे और यह फिल्म 12 दिसंबर 1986 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह एक हिट फिल्म करार दी गई। टी रामाराव की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी दोस्ती दुश्मनी। फिल्म की लीड कास्ट में जितेंद्र, रजनीकांत, ऋषि कपूर, किमी काटकर, पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 31 अक्टूबर 1986 को रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। सुखवंत दादा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी एक चादर मेली सी। फिल्म की लीड कास्ट में ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 28 अगस्त 1986 को रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। सुभाष गई की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी कर्मा। फिल्म की लीड कास्ट में दिलीप कुमार, नूतन, श्रीदेवी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, पूनम डिलोन, नसीरुद्दीन शाह शामिल थे और ये फिल्म 8 अगस्त 1986 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 3 करोड़ और उसने इंडिया में 7 करोड़ की कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक सुपरहिट फिल्म करार दिया गया। सतीश दुग्गल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी खेल मोहब्बत का। फिल्म की लीड कास्ट में फारूक शेख, पूनम डिलोन, शक्ति कपूर शामिल थे और ये फिल्म 11 दिसंबर 1986 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई।
महेश भट्ट की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी नाम। फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, कुमार गौरव, अमृता सिंह, पूनम डिलोन, नूतन और परेश रावल शामिल थे। यह फिल्म 12 सितंबर 1986 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 60 लाख और उसने इंडिया में 4 करोड़ 25 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक सुपरहिट फिल्म करार दिया गया। राहुल रवाइल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी समंदर। फिल्म की लीड कास्ट में सनी देओल, पूनम डिलोन, नवीन निश्चल, अनुपम खेर शामिल थे और यह फिल्म 19 सितंबर 1996 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। पी भारती राजा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सवेरी वाली गाड़ी। फिल्म की लीड कास्ट में सनी देओल, पूनम डिलोन, प्रेम चोपड़ा शामिल थे और यह फिल्म 7 मार्च 1996 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। के पपैया की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हिम्मत और मेहनत। फिल्म की लीड कास्ट में जितेंद्र, श्रीदेवी, पूनम डिलोन, शमी कपूर, कादर खान शामिल होते हैं और ये फिल्म 27 नवंबर 1987 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। बी आर चोपड़ा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अवाम। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, राज बब्बर, अशोक कुमार, शाफी, इनामदार, समीदा पाटिल, नाना पाटेकर, पूनम डिलोन शामिल होते हैं और ये फिल्म 1987 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। के पपैया की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मर्द की जुबान। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, पूनम डिलोन, किमी काटकर शामिल होते हैं और यह फिल्म 14 फरवरी 1987 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 80 लाख और उसने इंडिया में 2 करोड़ 90 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। जैतन कुमार की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हम फरिश्ते नहीं। फिल्म की लीड कास्ट में राज बब्बर, समीता पाटिल, ओम पुरी, पूनम डिलोन शामिल होते हैं और यह फिल्म 5 फरवरी 1988 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे भी एक एवरेज मूवी करार दिया गया। उमेश मेहरा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी कसम। फिल्म की लीड कास्ट में अनिल कपूर, पूनम डिलोन शामिल होते हैं और यह फिल्म 15 अप्रैल 1988 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। केवल शर्मा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मालामाल। फिल्म की लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली, पूनम डिलोन और मंदाकिनी शामिल थे और यह फिल्म 1 नवंबर 1988 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। के पपैया की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सोने पे सुहागा। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जितेंद्र, अनिल कपूर, श्रीदेवी, पूनम डिलोन, किमी काटकर शामिल थे और यह फिल्म 26 अगस्त 1988 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 2 करोड़ और उसने इंडिया में 3 करोड़ 75 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। जेपी दत्ता सर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी बंटवारा। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, डिंपल कवाडिया, अमृता सिंह, पूनम डिलोन, शमी कपूर, मोहसिन खान शामिल थे और यह फिल्म 14 जुलाई 1989 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 3 करोड़ 15 लाख और उसने इंडिया में 7 करोड़ के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म करार दी गई। टॉनी जुनेजा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अभिमन्यु। फिल्म की लीड कास्ट में अनिल कपूर, किमी काटकर और पूनम डिलोन, अनिता राज शामिल थे। यह फिल्म 8 जून 1989 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। शेरजंग सिंह की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी गलियों का बादशाह। फिल्म की लीड कास्ट में राजकुमार, मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी, समीता पाटिल, पूनम डिलोन, अमृता सिंह शामिल थे और यह फिल्म 17 मार्च 1989 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। सुरेंद्र मोहन की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हिसाब खून का। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, राज बब्बर, पूनम डिलोन शामिल थे और यह फिल्म 20 जुलाई 1999 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। केशुराम से की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी साया। फिल्म की लीड कास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम डिलोन, डेनी शामिल थे। यह फिल्म 1989 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। हरमेश मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अमीरी गरीबी। फिल्म की लीड कास्ट में जितेंद्र, रेखा, ऋषि कपूर, पूनम डिलोन, राज बब्बर शामिल थे। यह फिल्म 23 मार्च 1990 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 35 लाख और उसने इंडिया में 85 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। मुख्तार अहमद की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आतिशबाज। फिल्म की लीड कास्ट में आदित्य पंचोली, शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज और पूनम डिलोन शामिल थे और यह फिल्म 1990 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी करार दी गई। टोमो मुखर्जी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी पत्थर के इंसान। फिल्म की लीड कास्ट में विनोद खन्ना, श्रीदेवी, जैकी श्रॉफ, पूनम डिलोन शामिल थे और यह फिल्म 15 जनवरी 1990 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। इस्माइल श्रॉफ की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी पुलिस पब्लिक। फिल्म की लीड कास्ट में राजकुमार, राज किरण, पूनम डिलोन और प्रेम चोपड़ा शामिल थे और यह फिल्म 11 मई 1990 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 70 लाख और उसने इंडिया में 3 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक सीमा हिट फिल्म करार दिया गया। राजीव गोस्वामी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी देशवासी। फिल्म की लीड कास्ट में मनोज कुमार, महेश भट्ट, पूनम डिलोन, हेमा मालिनी शामिल थे और यह फिल्म 4 अप्रैल 1991 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे भी एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया।
रंजन बोस की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी झूठी शान। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, पूनम डिलोन, शबाना आजमी, शक्ति कपूर शामिल थे और ये फिल्म 13 दिसंबर 1991 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से ये भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। राज इन सिपी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी कुर्बानी रंग लाएगी। फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, पूनम डिलोन, पद्मनी कोल्हा पुरी, काजल किरण और शक्ति कपूर शामिल थे और ये फिल्म 1991 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे भी एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में बनी फिल्म विरोधी। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, सुनील दत्त, अरमान कोहली, अनीता राज, पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 3 अप्रैल 1992 को रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर यह भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। राज कन्वर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जुदाई। इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे पूनम डिलोन ने। अफजल खान की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी महानता। फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जयतेंद्र, पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 23 मई 1997 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 4 करोड़ 25 लाख और उसने इंडिया में 5 करोड़ 26 लाख के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर ये फ्लॉप फिल्म करार दी गई। अनुराग सिंह की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी दिल बोले हड़िप्पा। फिल्म की लीड कास्ट में शाहिद कपूर, रानी मुखर्जी, शर्लिन चोपड़ा और पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 18 सितंबर 2009 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 28 करोड़ और इसने इंडिया में 23 करोड़ 35 लाख के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। विक्रम कुमार की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी 13B। फिल्म की लीड कास्ट में आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर और पूनम डिलोन शामिल थे और यह फिल्म 6 मार्च 2009 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 12 करोड़ और इसने इंडिया में 7 करोड़ 37 लाख के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। तनवीर अहमद की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मिले ना मिले हम। फिल्म की लीड कास्ट में कंगना रनावत, नीरू बाजवा, सारिका गाडगे और पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 4 नवंबर 2011 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 13 करोड़ और उसने इंडिया में 70 लाख के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर ये एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। प्रभु देवा के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रमैया वस्तावैया। फिल्म की लीड कास्ट में गिरीश कुमार, श्रुति हसन, सोनू सूद, रणधीर कपूर और पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 19 जुलाई 2013 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 38 करोड़ और इसने इंडिया में 36 करोड़ 30 लाख के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। नवजोत गुलाटी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जय मम्मी दी। फिल्म की लीड कास्ट में सनी सिंह निजार, सोनाली सहगल, सुपरिया पाठक और पूनम डिलोन शामिल थे और ये फिल्म 17 जनवरी 2020 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 7 करोड़ और इसने इंडिया में 2 करोड़ 51 लाख के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर ये एक डिजास्टर मूवी करार दी गई और यही एज एन एक्ट्रेस पूनम डिलोन की अब तक की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। और व्यूअर, पूनम डिलोन के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो निकाले तो एज एन एक्ट्रेस पूनम डिलोन 66 मूवीज का हिस्सा रही हैं, जिनमें से उनकी 6 मूवीज सुपरहिट, 7 मूवीज हिट, 2 मूवीज सेमी हिट रही। इसके अलावा 12 मूवीज एवरेज, 3 बिलो एवरेज रही और उनके कंप्लीट करियर में 31 मूवीज फ्लॉप, 4 डिजास्टर रही और 1 फिल्म में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए। तो इस हिसाब से पूनम डिलोन के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो बनता है 46.15%। और फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पूनम डिलोन का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज किया। व्यूअर, आज की इस लिस्ट में मौजूद पूनम डिलोन की इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं और पूनम डिलोन की जोड़ी आपको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के किस स्टार के साथ ज्यादा पसंद थी? कॉमेंट सेक्शन में इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे इस चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।